हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। इससे पहले कि हम मूवी शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें संजय गांधी इंटरनेशनल पार्क को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक बाघ व एक शावक को लड़ने का अभ्यास करते हुए दिखाते हैं। दरअसल वह शावक उस बाघ का ही बच्चा होता है, जिसे वह आत्मरक्षा करना सिखा रहा होता है। तभी एक बाघिन वहां आ जाती है, जो उसकी माँ होती है। वह तीनों कुछ बातें करने लग जाते हैं। तभी वह शावक, जिसका नाम यूवी होता है, वह बाघ उस बाघिन की बातों पर हंसने लग जाते हैं। वह नाराज होकर वहां से जाने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ भयानक आवाज़ आती हैं। तभी एक पेड़ उछलकर उनकी तरफ आकर गिरता है, और उसी वक्त एक दानव रूपी मशीन वहां आ जाती है। वह बुलडोजर उस बाघ, जिसका नाम सुल्तान होता है, एवं उस शावक युवराज का पीछा करने लग जाती हैं। वे दोनों अब भाग रहे होते हैं। तभी बहुत सारी मशीनें उन्हें घेर लेती हैं। तभी सुल्तान यूवी को उछालकर उस बाघिन की ओर फेंक देता है, जिससे युवराज की जान तो बच जाती है, परंतु शिकारी अपनी बंदूक से सुल्तान को मार देता है। वे शिकारी दरअसल जंगल में कब्जा करके उसे बर्बाद करने आए हुए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, और वहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए होते हैं, एवं वह सभी जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी बजरंगी नाम के एक बंदर को दिखाया जाता है, जो उन्हें इंसानों से लड़ने की सलाह देता है। परंतु तभी एक भालू ने इंसानों से बातचीत करने की सलाह देता है, पर अब वह सोचते हैं कि इंसानों से बात करेगा कौन, क्योंकि उनमें से किसी को इंसानी भाषा नहीं आती थी। तभी एक कबूतर उन्हें बताता है कि एक तोता है, जो कि इंसानों की भाषा अच्छे से जानता है। वह इंसानों से बात कर सकता है, परंतु तभी बाघिन उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, और सुबह जंगल छोड़कर जाने का निर्णय करके वह सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वह कबूतर और यूवी मिलकर उस तोता, जो कि फिल्म डायरेक्टर विक्रम घोसला का होता है, उसे किडनैप करके लाने का प्लान बनाते हैं, और बजरंगी और भालू के साथ मिलकर उस तोते एलेक्स को लेने के लिए निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह तोता गाने चलाकर नाच रहा होता है। तभी वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर सीन को सीधे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें वे लोग जंगल में होते हैं, और वह तोता एलेक्स चिल्ला रहा होता है। उसके बाद बजरंगी और एलेक्स के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। उसके बाद वो सभी उस बुलडोजर दोबारा वहां आ जाते हैं, और पेड़ गिराने लग जाते हैं। वे सभी दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, परंतु बजरंगी और उसके दो साथी एलेक्स को रास्ते में ही मारने की प्लानिंग बनाते हैं। फिर वह दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। एक रुकी हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो कि एक मालगाड़ी होती है। फिर ट्रेन चल पड़ती है। तभी रात को बजरंगी उठकर आता है, और सबको सोया हुआ देखकर चुपके से एलेक्स को चाकू मारने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स जाग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, और लोगों को पता चल जाता है कि ट्रेन में जानवर घुस आए हैं। तभी इंसान उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, जिससे उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ता है। फिर वह ट्रेन चली जाती है। फिर एलेक्स उन्हें बताता है कि कैसे बजरंगी ने उसे मारने की कोशिश की है। तभी भालू बजरंगी के सारे हथियार वहीं झाड़ देता है। फिर वो लोग पटरी के सहारे चलकर दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, और चलने लग जाते हैं। फिर वह एक जगह रात रुकने का फैसला करते हैं, और सभी सो जाते हैं। तभी रात को यूवी के सपने में सुल्तान आ जाता है, और यूवी उसके पीछे पीछे भेड़ियों के इलाके में चला जाता है। तभी कालिया और अन्य भेड़िए वहाँ आ जाते हैं, और उन पर हमला कर देते हैं। तभी शेरनी वहाँ आ जाती हैं, और उनसे लड़कर उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। पर तब उन्हें पता चलता है कि एलेक्स की आवाज़ जा चुकी है, और तभी दो शुतुरमुर्ग उन्हें रास्ते में मिलते हैं, जो उन्हें एक जड़ी बूटी वाले बाबा के बारे में बताते हैं, जो एलेक्स को उसकी आवाज़ वापस लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तभी बाबा उन्हें कुछ कठिन काम बताते हैं, जिससे एलेक्स की आवाज़ वापस आ सके, और उस काम की जिम्मेदारी पूरी बजरंग ले लेता है।
फिर वो दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसे एक दूसरा तोता दिखता है और एलेक्स बोल पड़ता है। दरअसल वह आवाज़ चले जाने का नाटक कर रहा होता है। तभी बजरंगी एलेक्स के पीछे भागता है और वह जाकर एक पेड़ से टकराते हैं, जहां से मधुमक्खियां उनके पीछे पड़ जाती हैं और वे सभी भागने लगते हैं। फिर आगे चलकर वे सभी एक सुरंग में चले जाते हैं। वहां भी मधुमक्खियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। जब वे सभी वहां पानी में कूदते हैं तो एलेक्स का पैर वहीं फंस जाता है, पर बजरंगी उसे बचा लेता है। फिर दोनों को एक दूसरे की गलती का एहसास होता है और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर वह दिल्ली जाने के लिए निकल जाते हैं। वह एक ट्रक में छुपकर बैठ जाते हैं जो दिल्ली जा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वह दिल्ली पहुंच जाते हैं और ट्रक का दरवाज़ा खोलकर रास्ते में बाहर कूद जाते हैं। उनके अचानक सड़क पर आने से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं और तभी लोग उनको पत्थर मारने लग जाते हैं। तभी सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और मीडिया वहाँ पर आ जाती है। पूरे देश की मीडिया चैनल पर उन्हीं को दिखाया जा रहा होता है। फिर पार्लियामेंट से एक नेता उनके पास आता है और उनकी परेशानी सुनता है। फिर एलेक्स उन्हें सभी जानवरों की परेशानी बताता है, कैसे उन्हें उनके घरों जंगलों से निकाला जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री उनकी बात मान लेते हैं और जंगल से उन इंसानों के कब्जे को हटा दिया जाता है। और फिर वह सभी जंगल लौट आते हैं और यह मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।